अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला मछली शहर काशी प्रांत के मुगराबाद शाहपुर के इटहारा न्यू आइडियल कन्वेंट स्कूल में जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महान स्वतंत्र संग्राम सेनानी अवधूत योद्धा आदिवासी समाज के क्रांतिकारी नव चेतना के सूत्रधार धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन मंत्री अनिल जी, नगर अध्यक्ष धीरज सिंह, विभाग संगठन मंत्री आशीष जी, प्रांत जनजाति प्रमुख अजीत, पूर्व विभाग संयोजक सुशांत, पूर्व नगर अध्यक्ष जितेंद्र, तहसील संयोजक आदर्श, नगर मंत्री प्रांशु तिवारी, उपाध्यक्ष योगेश, पूर्व प्रांत कार्यकारी सदस्य ऋषभ, आरएसएस नगर प्रचारक आलोक, खंड करवा आरके जी मौजूद थे। कार्यक्रम में 5 छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सबकी नजर के पत्रकार सर्वेश तिवारी, भारतीय सहारा के पत्रकार देवेंद्र सिंह देव को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सबकी नजर के लिए सर्वेश तिवारी की खास रिपोर्ट। सर्वेश तिवारी, इस समय मैं खड़ा हूँ न्यू आइडियल स्कूल, यहाँ पर अभी अभी कार्यक्रम सम्पन्न हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। आइए, यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा जयंती को घोषित किया है और हमें यह गर्व हुआ कि इस देश में अभी आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस देश में अमृत महोत्सव के एक कार्यक्रम की श्रृंखला चल रही है, उसी के निमित्त आज वनवासी गौरव दिवस के रूप में हमने मनाया और जनजातियों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है उसको समाज को बताने का कार्य किया कि कैसे किस प्रकार से जनजातियों का इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ना सिर्फ उन्होंने अपने जंगल जमीन संस्कृति और धर्म की रक्षा की बल्कि भारत माँ को भी रक्षा करने के प्रयास में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसी के बलिदान दिवस के निमित्त ये जनजाति गौरव दिवस को हम मना रहे हैं और इसी के निमित्त आज यहाँ सब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और इस स्कूल का धन्यवाद जिन्होंने यह कार्यक्रम का आयोजन किया, विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ता जिन्होंने लग के यह कार्यक्रम कराया जिससे हम नए विद्यार्थियों को भगवान बिरसा मुंडा और उनकी रण चेतना के जो कार्यक्रम थे, जो गांव जमीन जंगल पीड़ित असहाय शोषित की जो उन्होंने लड़ाई लड़ी और यह बताया कि ये गांव मेरे पुरखों का है, ये जंगल मेरे पुरखों का है और पुरखों पे अधिकार मेरा है, इसलिए यह जंगल भी मेरे हैं और यह जमीन भी मेरी है और इसलिए मैं इसको कभी छोड़ने वाला नहीं, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा लेकिन यह जंगल, इस जमीन, इस संस्कृति, धर्म की रक्षा करूंगा, उसी के त्यौहार के रूप में आज इस उत्सव को हमने बड़ी धूमधाम से मनाया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की नगर इकाई को जिसने लग के यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज के दिन। मुगराबाद साहब नगर अध्यक्ष धीरज सिंह जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। धीरज सिंह जी, क्षेत्र की जनता के लिए, विद्यार्थियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हम मना रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से नियोजित ढंग से मनाई गई, उसमें हमारे सभी पदाधिकारी अधिकारियों का आभार जो आए और सभी क्षेत्र की जनता और स्कूल के बच्चे, प्रिंसिपल साहब, जो जो यहाँ मौजूद रहा, सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए। आपका पद जी? मैं पूर्व विभाग संयोजक शशांक दुबे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव राष्ट्रहित, छात्रहित और समाजहित की बात करता है और हमेशा से करते आया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहा है भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती।